हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो क्लच मोटर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इसे एसी क्लच मोटर बोलते हैं। ये बगैर कार्बन की मोटर होती है और जुकी मशीनों में ये नीचे से पटरे के नीचे से कसाती है। इससे पहले हम बगैर कार्बन वाली मोटर पे वीडियो बना चुके हैं जो कि रेगुलेटर के साथ आती है, पर आज का जो वीडियो है ये इस मोटर पे है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई क्लच नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है पटरे के नीचे ऐसे कसा जाती है। जैसे कि क्लच मोटर पहले आती थी हाई स्पीड मशीनों में नीचे से कसाती थी, या पावर सेवर मोटर जो पटरे के नीचे से कसाती है बड़े बेल्ट का इस्तेमाल करके। इसको खोले, हम इसको खोलते हैं तो आप समझ जाएंगे। ये अहमदाबाद की बनी हुई मोटर है फ्रेंड्स, सीमा ब्रांड की है। सीमा का 1/12 कार्बन के ऊपर और सीमा का बगैर कार्बन वाली मोटर हम बना चुके हैं। अगर आप ना देखें हो तो उसको भी देखिए। ये जो मोटर होती है फ्रेंड्स, ये हाई स्पीड मशीन में ही इस्तेमाल की जाती है, जो जिसको जुकी मशीन लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं, हाई स्पीड मशीन, उसी में ये मोटर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये बिजली कम लेती है और कम रेट में भी ये आपको मिल जाती है। प्राइस इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि प्राइस हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वीडियो में बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद इसके काफ़ी रेट बढ़ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं रेट डाल दूंगा आज का। पहले जो क्लच मोटर आती थी फ्रेंड्स ना, वो बहुत ज़्यादा बिजली लेती थी, तो इन्वर्टर पे नहीं चल पाती थी, तो इसीलिए ये मोटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये कम बिजली में आराम से चल जाती है। अगर आप इसको इन्वर्टर पे भी चलाएंगे तो इन्वर्टर पे भी आराम से चल जाएगी। आप देख रहे होंगे करंट इसमें लिखा है 150 से 250 वाट, तो आराम से ये इन्वर्टर पे चल जाएगी आपके। आरपीएम इसका 2800 से 3200 का है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ एसी मोटर इसको बोलते हैं, एसी मोटर विदाउट कार्बन। और इसमें आप देखेंगे कॉपर रोटर लगा हुआ है, चूँकि इसमें आर्मेचर नहीं होता है, बगैर कार्बन वाली ये मोटर होती है, रोटर होता है इसके अंदर, पूरा रोटर पे ये चलती है। तो पूरा इस पर आपको लिखा होगा कॉपर रोटर, आप कॉपर वगैरह पूरी कॉपर बाइंडिंग वगैरह सब इसके आप साइड से पीछे से देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत कलर भी है इसका, ऐसे कलर तो बदलते रहते हैं, इस वक्त कलर कुछ हैं, बाद में हो सकता है कि कलर कुछ और आ जाए। पूरा लुक पहले मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें आप देख रहे हैं बड़ी पुली लगी होती है, और इसमें जो है बड़ी बेल्ट लगेगी, बेल्ट है कि अगर बेल्ट होती है तो हम आपको दिखाते भी हैं इसमें कि इसमें किस टाइप की बेल्ट लगेगी। और ये आपका, जब आप इसको ऐसे चलाएंगे नीचे से खींचेंगे तो ये भागेगा आपका ये, और फिर छोड़ देंगे तो रुक जाएगा। पर एक चीज़ जान लीजिएगा फ्रेंड्स कि जैसी क्लच मोटर में जब आप पैडल हटाते हैं ना तो मशीन लॉक हो जाती है, वो फिर भागती नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आप मशीन को जब रोकते हैं ना, पैडल से रोकेंगे तो मशीन 2-4 फेरा आगे भाग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इसी में की बेल्ट लगेगी, जो आपकी जुकी मशीनों में बेल्ट लगती है, इस टाइप की ये बेल्ट इसमें लगेगी। इसकी साइज़ जो होगी, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इसको आप पटरे में नीचे से कसेंगे तो वहाँ पटरे में कटिंग लंबी होनी चाहिए। अगर पटरे में कटिंग लंबी नहीं होगी तो ये बेल्ट नहीं चलेगी। अगर आप अपने जनरल अम्ब्रेला के पटरे में नीचे से इस मोटर को कसेंगे ना तो नहीं चलेगी, क्योंकि अम्ब्रेला के पटरे में कटिंग छोटी होती है। पर कुछ अम्ब्रेला के पटरे होते हैं जिसमें पटरे में कटिंग लंबी होगी, लगभग 10 इंच की, 10 इंच लंबी अगर कटिंग होगी तो ये मोटर आसानी से नीचे कसा जाएगी। और ये कसाएगी कैसे हम आपको दिखाते हैं, जरा इसको पलट दे बोलूँ। हाँ, ये आपकी देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। हाँ, ये आपका ये, हाँ ठीक है, ये लोकेशन सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है, ये आप मान लीजिए कि ये ऊपर ये इसके ऐसे पटरा लगा हुआ है, और पटरे के नीचे से ये ऐसे कसा गई, नीचे से बेल्ट यहाँ से मशीन के हेड में लग जाएगी, और ये जो है हिस्सा, ये आपका मोटर कस के पकड़ेगा, जब आप इसको खींचेंगे, ये देखिए, ये जब इसको आप ऐसे खींचेंगे पैडल में कनेक्शन होगा, यहाँ से एक लोहे का रॉड नीचे पैडल में, आपके पैडल में लोहे का रॉड यहाँ से कनेक्ट होगा, और जब आप पैडल ऐसे दबाएंगे तो ये ऐसे दबेगा, ये ऐसे दबेगा जब आपका, तो ये मोटर भागेगी।
बहुत बढ़िया चलती है, साउंडलेस होती है। इसकी साउंड अभी हम आपको दिखाते हैं। रबर लगा के रखो, चलाते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, बिजली भी कम लेगी और चलेगी आसानी से, और बिगड़ने पे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपनी जो पावर सेवर मोटर होती है वो चाइना या और सब देशों से आती है बाहर के, तो उसकी टेक्नोलॉजी एकदम नई होती है। बिगड़ गई तो फिर बनवाने के लिए आपको पूरा भेजना पड़ता है दिल्ली, और इसको तो आप कहीं भी बनवा लेंगे आसानी से। पर इसमें एक ही कमी है फ्रेंड, जो मैं बता चुका हूँ आपको, कि ये आप जब इसको रोकते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो मशीन फिर भी दो चार फेरा आगे भाग जाएगी। हाँ, ये देखिए स्पीड हुई, अब रोको, अब देखिए ये थोड़ा सा रुकेगी, लेकिन थोड़ा देर बाद देखिए ये चला के, अब आपने हटाया, हाँ ये देखिए थोड़ा सा फेरा घूम जाएगा। तो इसीलिए मशीन आपको उसी अंदाज पर चलानी होगी। तो आप अगर क्लच मोटर चलाए हैं या पावर सेवर मोटर चलाए हुए हैं, तो उसमें जैसे ही आप पैडल पे से पैर हटाएंगे, मशीन वह एकदम खट से रुकेगी तुरंत। लेकिन इसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे कि तुरंत मोटर रुक नहीं रही है, इसीलिए थोड़ी सी मशीन आपकी भाग के आगे बढ़ जाएगी। तो उसी अंदाज पे आपको ये मोटर का इस्तेमाल करना होगा। चलाएं एक बार, आप देखिए ये चल रही है, छोड़िए, देखिए थोड़ा घूम गया, फिर चलाइए, पकड़े दो, दबाए रहो, जब हम बोलेंगे तब छोड़िएगा, ठीक है, चलाइए। अब देखिए ये चल रही है फ्रेंड्स, छोड़िए, देखिए तो ये घूम जाएगा, चक्का इसका आगे बढ़ जाएगा। जबकि क्लच मोटर होगी उसमें जैसे ही आप जो है पैडल पे से पैर हटाते हैं, उसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, और खट से करके मोटर जो है खट से वही दम रुक जाएगी, तो आपकी मशीन भी वही दम रुक जाती है। तो इस चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, इस चीज़ को अगर आप हैंडल कर सकते हैं, तो ये मोटर बहुत कम रेट में होती है, काफ़ी कम बिजली भी लेती है, आसानी से बन भी जाती है, हर चीज़ में अच्छाई है, एक कमी को छोड़ के जो मैं बता चुका हूँ आपको। और इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ना बने, बिगड़ गया मोटर वाले को दे दें, खोल करके उसकी बाइंडिंग कर देगा, आसानी से बन भी जाएगी। और टेक्नोलॉजी एकदम आसान सी है, बस ये उठाइए, मोटर भागेगी, बस जैसे ही आप हटाएंगे ये भागने लगेगी। ये इसी पे आके प्लास्टिक इसको रोक रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये भागता जाएगा। बहुत अच्छी मोटर है फ्रेंड्स, आवाज़ तो एकदम नहीं रहेगी, बगैर कार्बन मुक्त की मोटर जो होती है उसकी यही खासियत ही होती है, इसमें ये मोटर साउंडलेस होती है। बाकी फ्रेंड्स आप हमारे जो है वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, sinatraders.com पे, और डिटेल में हर चीज़ों को दिया हुआ है। मोटर के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, जो हमारे वेबसाइट पे सब दिए हुए हैं, उस पर भी एक बार आप विज़िट ज़रूर करें। प्राइस मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शुक्रिया।